व्हाट्सएप हैकिंग के पूरे मामले में तीन ही संभावनाएं बनती हैं। सरकार ने कानूनी तौर पर जासूसी कराई, सरकार की जानकारी के बगैर गैर कानूनी तौर पर जासूसी हुई, सरकार ने खुद गैर कानूनी जासूसी कराई। क्या सरकार या उसकी किन्हीं एजेंसियों ने खुद गैर कानूनी तौर पर पेगासस स्पाईवेयर खरीदा और इस्तेमाल किया? यदि हाँ तो ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया है। दो दिन पहले 26/11 हमने मनाया है ना, तभी मुंबई के उस हमले को भी हम लोग याद करें जो सैकड़ों को मारे गए थे, वो उसमें भी इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। आपको मालूम है मोबाइल पर वो क्या बात कर रहे थे और उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था, तो क्या हम भारत की सुरक्षा के लिए काम हम करेंगे क्योंकि ये देश हित में है और हम यहाँ पर हम देश की जनता के अधिकारों का भी सम्मान करेंगे। ये बात है।